ना फंसने से बच गया मैं, और इससे पहले तो मैं एक बार फंस चुका हूँ। अब मैं क्या बोलूँ यार, क्योंकि मेरे को जाना था गांधीनगर बापू नगर आश्रम, और मैं यार क्या बोलूँ, मैं बोला अब आएगा स्टेशन, अभी स्टेशन आएगा, आया ही नहीं तो मैं बहुत आगे निकल आया। अब मेरे को फिर यहाँ से तकरीबन 11 साढ़े 11 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, तो पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ लिया जाए तो कम से कम 250-250 रुपये का चूना लग जाता आज। और फिर यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, फाइन मराने के लिए थोड़ी आया हूँ भाई, तो थोड़ी सी शमशान पट्टी चलेगी इधर अपनी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, लोकल स्टॉप पे रुक गया, मैं उतर गया। अब मैं जो है दूसरा बस स्टॉप आया हूँ, फिर यहाँ से टिकट लिया हूँ। अब टिकट लेने के बाद मैं अब पहले यहाँ से जाऊँगा जूनावाड़ा, जूनावाड़ा से फिर निकलूँगा सीधा बापू नगर, गांधीनगर आश्रम जो भी है। तो आज 2 अक्टूबर है, अब देखते हैं चल के कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं। मिलता हूँ आपको उधर ही में। आज का सफ़र ना बहुत भारी पड़ गया मेरे को, भारी इसलिए पड़ गया कि मैं पहुँचना जहाँ चाहता था ऑलरेडी दूसरी जगह पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद में भैया अब कहाँ बताऊँ तुमका, हम तो परेशान हो गए नहीं आ रहा, चलत चलत दिमाग ख़राब हुआ साला। तो काद नहीं बगल में छोरा और पूरे शहर में ढिंढोरा, वही वाला हाल हुआ है मेरे साथ आज। आज हम तकरीबन 11 किलोमीटर आगे निकल के रहे, फिर वापस आए ना। अब वापस आए ना, अब तकरीबन यहाँ से 700 मीटर है गांधी आश्रम, अब हुआ जा रहे हैं यार। और गांधी आश्रम का अगर भैया तुमका पूरा वीडियो देखे है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नादिर साहब ब्लॉग, पूरा वीडियो देखने मिल जाए आप लोगों के, ठीक है। और यहाँ पर भाई एक जगह ऐसी है जो आप लोग बहुत कम उसके बारे में जानते होंगे, तो वो जगह दरअसल यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर ऐसा मसला है, क्या बोलूँ मैं, अगर वो मंज़र अगर आपको याद आएगा ना तो कसम से भाई मूड ख़राब हो जाता है पूरा। तो वो दरअसल एरिया यहाँ से तकरीबन 7 साढ़े 7 किलोमीटर पर है वो एरिया, और वो दरअसल जहाँ पर मैं रहता हूँ, मतलब जहाँ पर इस टाइम मैं रुका हुआ हूँ, तो वो एरिया वहीं पर है, यानी कि मैं उसी एरिया में रह रहा हूँ इस टाइम। तो वो दरअसल ऐसा है कि जब 2002 में जहाँ पर दंगा हुआ था हिंदू और मुस्लिम का, तो वो दरअसल अब वहाँ पर ऐसा हो गया कि जो है एक लाइन बना दी गई है, एक जो है वहाँ पर दीवार खूब मोटी सी खड़ी कर दी गई है, इसलिए ना तुम इस तरफ आ सको और ना कोई इस तरफ का उस तरफ जा सके, ना उस तरफ का कोई इस तरफ आ सके। तो वहाँ पर अब जो है ऐसा मसला है कि हिंदू और मुस्लिम का मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू की मार्केट अलग लगती है, मुसलमान की मार्केट अलग लगती है, लेकिन पिछले 2002 से और 2023 तक इन इतने सालों के बीच में तो जो है थोड़ा बहुत मतलब अंतर हो गया है, फ़र्क हुआ है कि जैसे कि हाँ, अब जैसे कि मुसलमान को अगर कोई सामान खरीदना है तो हिंदू की तरफ आ सकता है, और हिंदुओं को अगर कोई सामान खरीदना है तो मुसलमान भाई की मार्केट की तरफ जा सकता है। तो वहाँ पर ऐसा है कि जो दुकान सामने है वही दुकान ठीक उसी के सामने है, मतलब दूसरे दूसरे नाम से। और यहाँ पर दुकानों के नाम सुनोगे ना तो भाई हंसी छोड़ जाएगी। दुकानों के नाम बताऊँ, कट्टा, डकैत, छुरीबाज, हथियारबाज, मतलब कई प्रकार के यहाँ पर आपको दुकानों के टेंटिंग बाजिंग में ना वो नाम देखने को मिलेंगे, सिर्फ नाम देखने को। तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आज उसी रास्ते से जाऊंगा और वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक लकड़ी का पुल है, पूरा लकड़ी का पुल है, मतलब पूरा लकड़ी का पुल ही बना हुआ है। मैं आ चुका हूँ इस टाइम लकड़ी के पुल के पास, मतलब अब वहाँ पर जाना अलाउ है या नहीं मुझे वहाँ नहीं मालूम, और जब मुझे वहाँ पर जाना नहीं तो फ़ायदा क्यों पूछ जाऊँ वहाँ पर। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो लाल लाल ऑरेंज के खंभे, तो ये दरअसल लोहे के हैं, और जो इसकी जो ज़मीन है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और
मैं बता रहा था वहाँ के बारे में। तो वहाँ पर ऐसी क्या बोलूँ मैं आपको भाई, मतलब उस टाइम बताया जाता था कि 1 साल का बच्चा हो या साल भर का बच्चा हो या 6 महीने का बच्चा हो या पेट में ही बच्चा हो, उसको भी मतलब मार दिया जाता था। हिंदू मुस्लिम का इतना बुरा झगड़ा हुआ था। तो वो झगड़ा तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन वो जगह ज़रूर आपको दिखाऊँगा आज, ठीक है। तो इस वीडियो में जहाँ पर म्यूज़िक लगा मिलेगा आपको गम का, गम वाला म्यूज़िक, तो समझ जाना कि ये वही जगह है। और बाकी मैं लिख के डाल दूँगा कि इसी जगह पर लड़ाई झगड़ा हुआ था उस टाइम, क्योंकि वहाँ पर बोल नहीं सकता ना यार, अब बोलूँगा तो पब्लिक सुनेगी कि क्या बोल रहा है, तो कुछ मेरे साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं वहाँ पर कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही वीडियो शूट कर लूँगा अपना और फिर उठा के डालूँगा। फिर आप देखना कि कौन कौन सी जगह है और कितनी लंबी वो जगह है, पूरी जगह पे बाउंड्री बना दी गई है कि कोई ना इस तरफ ना कोई उस तरफ ऐसा। लेकिन अब जो है दुकानें बन गई हैं, तो वो ऐसा है कि उस तरफ का आदमी उधर ही ख़रीदेगा और इधर का आदमी इधर ही ख़रीदेगा, उधर नहीं जाएगा, ऐसा है। बाकी जिसकी मर्ज़ी है तो ख़रीद ले, जिसकी मर्ज़ी नहीं है तो नहीं ख़रीदे, ऐसा है वहाँ का मसला। क्या बोलूँ आपको, मुझे दरअसल लग चुकी है खूब कायदे की और कड़क भूख। तो यहाँ पर तो यार मुझे होटल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं कि कुछ खा लूँ, कुछ भी मिल जाए खा लूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो खाने लायक हो, क्योंकि अब वो नमकीन और कुरकुरे पुरकुरे इससे पेट थोड़ी ना भरने वाला है यार। तो मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ खाने का आइटम मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ, और ढूँढ रहा हूँ देखते हैं कहाँ मिलता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कार्टून जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डांडिया खेला जाता है, डांडिया, डांडिया मतलब समझते हो आप लोग। तो यहाँ पर जो है कोई त्यौहार आवत है तो त्यौहार के टाइम जो है डांडिया खेला जाता है। यहाँ बता दी भैया, अगर आपका नहीं मालूम है तो यह जो नदी है जो हमारे पीछे देख रहे हो, इसका नाम है रिवर फ्रंट। तो ये जितनी अहमदाबाद में जितनी दूर तक यह नदी गई है, तो यह नदी जो है पूरे नदी में यहाँ ऐसा काम हुआ है, पूरे रास्ते में यहाँ तुमका गार्डन देखने को मिली है, जैसा आप देख रहे हो पीछे हमरे, ठीक पूरी नदी में ऐसा पूरा आपका देखने को मिली, पूरा मतलब पूरी नदी के आसपास में कहीं भी गंदगी नहीं, पूरा गार्डन की तरीके से सब बना हुआ है। अब आप देख लो मेरे पीछे पूरा गार्डन बना हुआ है, और जहाँ तक ये नदी समुद्र से जाके मिली हुई है, साबरमती नदी जो है समुद्र में जाके मिली है, तो जहाँ तक नदी गई है वहाँ तक पूरा साफ सुथरा बनाया गया हुआ है, पूरा साफ सुथरा। तो मैं हूँ इस टाइम रखियाल मच्छी मार्केट में, और यहाँ पर ये स्पेशल क्या है, सबसे ज़्यादा कपड़ा मिल जाएगा आपको, मतलब कपड़ा किसी भी प्रकार का अगर आपको ख़रीदने का है तो इस मार्केट में आओ, आपको हर एक वैरायटी का कपड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेने को मिल जाएगा, ख़रीदने को मिल जाएगा। और यही वो जगह है जहाँ पर 2002 में लफड़ा हुआ था, दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला। तो जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो कि पूरी मार्केट जो अभी काम चालू, इधर इस साइड में भी रोड बनना चालू है, बीच में भी रोड बनना चालू, हर तरफ इधर जो है काम चल रहा है, और आगे इसका जो है मेन पार्ट है जहाँ पर वो दीवार खड़ी की गई है, और एक दीवार जैसे मेरे पीछे ये खड़ी है और एक दीवार थोड़ा आगे बढ़ के चौराहे के ऊपर वहाँ पर पूरी दीवार खड़ी हुई है। यहाँ पर जितनी भी कपड़े की दुकान है सब मियाँ भाई की है, सब ऑल टोटल मुसलमान की यहाँ पर पूरी मार्केट है, ये आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे, तो यहाँ पर टोटल मोहंडन की दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें अपने मियाँ भाई लोग की। और जैसे बच्चे मेरे पीछे देख रहे, लट्टू नचा रहे हैं, खेल रहे हैं, इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। ये जो मेन आपको सामने जो नीम का पेड़ चबूतरा दिख रहा है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यही वो मेन पार्ट है जहाँ पर 2002 में दंगा हुआ था, मतलब हिंदू उस तरफ मुसलमान इस तरफ, बहुत बुरा दंगा हुआ था। अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कितने बुरे हालात थे उस टाइम 2002 में। ये है वो रास्ता और यही है वो जगह जहाँ पर 2002 में दंगा हुआ था, और ये काफ़ी यहाँ से लेकर एक आगे जो है बापू नगर तालाब है वहाँ तक ये है,
और वहाँ से लेके यहाँ तक जो है बॉर्डर खींचा हुआ, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन।